हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वस इज फैमिली ब्लॉग्स। मैं अंशु शर्मा, आप सब कैसे हैं? आई थिंक ठीक होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो ब्लॉग को दोपहर से स्टार्ट किया है, मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया है। कौशल मेरी गोदी में है, उठ गया है ये भी काफ़ी टाइम का, और खुशी भी उठ गई है। खुशी तो रेडी भी हो गई है नहा के, और मम्मी जी खा रही हैं बाहर खाना, और मम्मी जी खुशी और खुशी के पापा जा रहे हैं आज गोवर्धन, बांके बिहारी जी जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अम्मी जी रेडी हो गई हैं, खाना खा रही हैं अभी। तो यहाँ पे ये देखिए, अम्मी जी खाना खा रही हैं, इधर बैठी हुई रेडी हो गई, साड़ी पहन लिया, और ये देखिए खुशी, ये भी जाएगी खुशी भी। और खुशी अपने आप को दीदी बोलती है, क्योंकि कौशल से हम कहते रहते हैं कि खुशी दीदी लगती है, दीदी लगती है, तो खुशी अपने आप को दीदी बोलती है। किचन में मीनू रोटी बना रही है, सब्जी वगैरह मैंने बना दी थी, आटा भी मल दिया था, वो रोटियां सेक रही है। तो अम्मी जी खा रही है, खुशी ने खा ली है, अभी मैं रह गई हूँ, भैया आएंगे अभी, अभी आए नहीं है, और खुशी के पापा नहा लिए हैं, बस खाना खाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी जी रेडी हो गई हैं जाने के लिए, बस चूड़ियाँ डाल दी हैं हाथ में, और बाकी साड़ी वगैरह सब रेडी हो गए हैं, बाल बाल सब कंघी हो गए हैं, बैग भी पहुँच गए नीचे, बैग गाड़ी में पहुँच गए हैं। और खुशी तो पहले से ही नीचे है, बहुत देर से आवाज़ लगा रही है, अम्मा अम्मा आ जाओ आ जाओ। खुशी तो बहुत एक्साइटेड हो रही है जाने के लिए, बहुत देर से बुला रही है। अब मम्मी जी बताएंगी, कुछ बोलेंगी जाने से पहले अभी, और कल आएंगी मम्मी जी, कल सुबह आएंगी। अब देखो कब आते हैं, भगवान की मर्जी है, वो तो बांसुरिया वाले की, बाके बिहारी जी जैसे जैसे, पता नहीं उनकी मर्जी है, अब हम चल दिए उनके नाम। ठीक है, अब आके मिलेंगे, और हम जा रहे हैं, और खुशी जा रही है, मैं जा रही हूँ, और कौशल यहीं रहेगा। अरे पर चलो, बिहारी जी और कान्हा जी को भी लेके जा रहे हैं, देखो हमारे सज गए कान्हा जी, देखो, और खुशी खुशी भी देखो मेरे साथ, खुशी भी जा रही है, बाय। तो फ्रेंड्स, खुशी मम्मी जी और खुशी के पापा तीनों चले गए हैं, हम अभी नीचे ही हैं, मैं और कौशल, बाकी मीनू और भैया ऊपर हैं, तो हम भी अब ऊपर ही जा रहे हैं। मम्मी जी लेकर गई हैं भगवान जी को, दोनों भगवान जी गए हैं बड़े छोटे, बांके बिहारी जी के दर्शन करने, मिलने के लिए कहते हैं कि मिलवाना चाहिए। तो छोटे वाले भगवान जी तो हमारे जब से आए हैं तब से मिलने गए ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं था, और मुझे तो कुछ ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो थे नहीं लड्डू गोपाल जी, बाद में आए थे, मैंने तो यहीं पर आकर ही देखा था लड्डू गोपाल जी को, और यहीं पर आके उनकी सेवा शुरू की थी, और वो भी पूछ पूछ कर ही शुरू की थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था उनकी पूजा के बारे में, कैसे कैसे की जाती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो अब थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा है, अब काफी टाइम हो गया है, तो करते करते अब पता लगने लगा है, समझ में आ गया है कैसे क्या करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तो अब ऊपर चल रहे हैं, यहाँ का बंद कर देती हूँ गेट को, लाइट वगैरह बंद करके, और कपड़े रह गए धुलने के लिए, तो थोड़ी देर बैठ के कपड़े उसके बाद धुलूंगी, अभी खाना भी नहीं खाया है मैंने, तो खाना भी खा लूंगी और कौशल को भी खिला लूंगी। बाकी रूम को तो साफ कर दिया, ये देखिए तवे लगा दिए, ये जो काली कपड़े जो रह गए हैं इनको समेट के रखना है बस, ये देखिए सब फैला पड़ा था, तो इसे साफ वगैरह तो सब कर दिया है। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, और देखिए कौशल कैसे बोले जा रहा है, कुछ भी बोलता है, चाची मम्मी अम्मा ये सब सब कुछ बोलता है। तो ये देखिए लाइट ऑफ कर दी मैंने, और अब हम चल रहे हैं ऊपर, अब शायद देखो पता चले मम्मी जी शायद कल आएंगी, क्योंकि कपड़े रख कर ले गई हैं, खुशी के भी दो जोड़ी कपड़े रख दिए हैं पहनने के लिए, क्योंकि बच्ची है गंदे कर लेगी। चलिए ऊपर चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स, हम ऊपर आ गए हैं, और ये देखिए पीछे टीवी चल ही रहा है, ये कपड़ों की तय तो बना दी थी इन सब की, बस इनको अंदर रखना है, अंदर चादर भी बिछा दी है मम्मी जी वाले बेड पे, नीले कपड़ों को फैला कर आना है,
वहाँ पे रखे हुए हैं, वो कपड़े सारे गीले हैं, इनको फैला कर आना है। तो चलिए अपना थोड़ा थोड़ा काम निपटा लेते हैं। और ये देखिए 2:15, तो वो अभी अभी गए हैं, 10 मिनट हुए हैं उन्हें गए हुए। तो चलिए काम निपटा लेते हैं अपना, और फिर कौशल तो परेशान करेगा थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स, मैं और कौशल आ गए हैं ऊपर, और ये देखिए ये जो कल वाले कपड़े थे वो मैंने फैला दिए हैं, ये इधर और इधर, ये खुशी के, और ये वाले जो कपड़े हैं बच्चों के थोड़े से उधर फैलाए, ये इधर मीनू कपड़े हैं। उधर वहाँ पे देखिए दड़ी वगैरह ये फैला दिए हैं, ये कल के कपड़े हैं, सूखे नहीं थे। और ये देखिए यहाँ पे ये गेहूं फैलाए हुए हैं, उधर वाले साफ हैं और इन वालों को साफ करना है, इनमें थोड़ी मिट्टी है। और ये देखिए मेरे हाथ में टॉफियां हैं, 2 टॉफी हैं अलग अलग, एक तो मैंने कौशल को खिला दी है और ये दोनों अब मैं भी खा लूंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए, लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गेहूं तो फैला दिए हैं हमने, और वहां पे आपको दिखाती हूँ, वो देखिए ऊपर ऊपर की तरफ देखिए कितने सारे कबूतर हैं, वहां पे आपको दिखाई दे रहे होंगे एकदम कॉर्नर पे ऊपर कितने सारे कबूतर हैं, और चारों तरफ बैठे हुए हैं, इधर उधर इधर उधर चारों तरफ बैठे हुए हैं थोड़े थोड़े करके। उधर टंकी है वहां पे, शायद आपको नजर आए, ये देखिए वहां पे वो जो टंकी है उसके ऊपर भी कितने सारे कबूतर बैठे हुए हैं। मैं पहले जब आई थी तो बहुत सारे कबूतर गेहूं पे लगे हुए थे, तो फिर मैं कपड़े लेकर आई, फैला दिए उनको, खाना खाकर आ गई हूँ। तो अभी फिलहाल जब आई हूँ तो कोई कबूतर नहीं है, अभी बस मुझे थोड़े से कपड़े मिलने हैं, तो मैं कौशल को ऊपर ही लेकर आ गई हूँ। कौशल ये रहा मेरे पास ही, खुशी तो आपको पता ही है कि मम्मी जी के साथ चली गई है। और कपड़े मिलने के बाद में मैं गेहूं को भर दूंगी, साफ वाले को तो पिसवाने के लिए भर दूंगी, और जो ये बाकी हैं इनको थोड़ा थोड़ा साफ करके भर लूंगी, जितने साफ हो जाएंगे उतने कर दूंगी, बाकी कल कर दूंगी। और ये देखिए कौशल किस तरह से साड़ी को भी खींच रहा है, और ये उतर भी रहा है मेरे पीछे से। गेहूं में मिट्टी है थोड़ी सी, और कुछ तो कबूतरों ने फैला दिए और थोड़े बहुत कौशल ने फैला दिए, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, इनको समेटना भी है और फिर झाड़ू से भी साफ इकट्ठा करना है। जो झाड़ू से इकट्ठा करूंगी उन्हें तो गाय के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि उनमें तो सीमेंट भी आ जाएगा, तो इस वजह से अब कौशल को मैं अपने पास ही रखूंगी उस साइड, वहां पे यहाँ पे मैं कपड़े धोऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं इन गेहूं को भी समेटना है, थोड़ा ध्यान भी रखना है कि कबूतर ना आए इनके पास में गेहूं के, क्योंकि एकदम से बहुत सारे कबूतर थे, मैं कुछ बता भी नहीं सकती कितने कबूतर थे, ऐसा लग रहा था जैसे गेहूं तो है ही नहीं, कबूतर ही कबूतर लगे हुए हैं जब मैंने देखा था, जैसे ही मैं जब मैं आई थी। तो फ्रेंड्स, गेहूं को मैंने भर दिया है, ये देखिए इस वाले ये जो है इसमें साफ गेहूं है, तो मैंने इसको टब में ऐसे ही भर दिया है। और ये वाले गेहूं ये देखिए ये कौशल लगा पड़ा है इसमें, ये देखिए इसमें साफ करने इन गेहूं को, तो इसको मैंने टब में भर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे ये कौशल ढक्कन लगा रहा है इसका, उल्टा लगा दिया इसने, इस तरह से लगा दूं, और ये कौशल बार बार मान ही नहीं रहा है, ये देखिए इसको ढक्कन को खोले जा रहा है, टब के ढक्कन से खेल रहा है। अब मैं इसे नीचे ले जा रही हूँ, क्योंकि धूप ज्यादा है नहीं, और ये गेहूं को बहुत ज्यादा बिखेर रहा है, साफ नहीं करने दे रहा है, बार बार मम्मी मम्मी कर रहा है। तो मम्मी जी जब आ जाएंगी कल को इन्हें साफ करूंगी फिर, तो ये मम्मी जी है नहीं, मम्मी जी तब तक इसे पकड़ लेंगी जब तक मैं इसे साफ करूंगी गेहूं को। ये देखिए कैसे खेल रहा है, देखिए ये देखिए लगाने की कोशिश कर रहा है, उल्टा कर दिया इसने ढक्कन, और हाथ भी डालने की कोशिश कर रहा है कि गेहूं निकाल लूं हाथ डाल के। बाकी तो ये देखिए जो थोड़े बहुत गिरे हुए कबूतरों ने जो फैलाए वही रह गए, बाकी तो मैंने समेट दिए जो सारे थे, चादरों वगैरह पे सब वाले समेट दिए, और सूखे ये देखिए इसने बिल्कुल ही हटा दिया, अब तो ढक्कन हटा ही दिया, बिल्कुल लगा दिया सीधा। अब मैं इसे कस देती हूँ जिससे कि ये इसे लेना उठाना पाए दोबारा से। हटो 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 हटो, देखो कैसे रो रहा है, मैं ढक्कन को लगा रही हूँ, तो ढक्कन को बंद ही नहीं करने दे रहा है, कबूतर आएंगे और फिर से खाना खाने लग जाएंगे। देखिए
सोच रहा है कि मेरा हाथ कौन जाएगा इसमें, तो मैं निकाल के फेंक दूंगा गेहूं को। बहुत गिरा रहा है ये इधर उधर गेहूं को। ये लिए छोड़ दिया इसने, नहीं लग रहा तो हट। कौशल कहाँ जा रहे हो अब? हेलो करना कौशल ऐसे। ये देखिए कौशल हेलो भी कर रहा है, ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है। इसे इसका मतलब नहीं पता है कि क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ हाथ हिलाने लग जाता है ऐसे ऐसे करके, और दोनों को हिलाना शुरू करता है एक साथ में। चलिए फ्रेंड्स अब नीचे चलते हैं। कपड़े मैंने सुखाई दिए हैं धोके, थोड़े से ही थे, ज्यादा नहीं थे कपड़े। और पता है क्या हुआ, जब हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो कबूतर आ नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं उधर गई कपड़े मिलने के लिए तो एक एक दो दो कबूतर फिर से आने लगे, तो मुझे वहां से बार बार उठ के आना पड़ रहा था कबूतरों को भगाने के लिए, तो काफी टाइम लग गया। इतने कपड़े नहीं थे जितना धोने में उनको टाइम लग गया, क्योंकि बार बार वहां से यहाँ पे उठ के आना पड़ रहा था कि भगाने के लिए कबूतरों को। अब तो देखिए काफी कम हो गया है, बहुत ज्यादा चले ही गए, मतलब सारे कबूतर, एक आधी कबूतर हैं जो इधर उधर बैठे हुए हैं। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और अपना दूसरा काम देखते हैं जो भी नीचे होगा, अदरवाइज थोड़ी देर लेट जाते हैं। कौशल को लिटा देती हूँ, ये सो जाएगा तो फिर मैं थोड़ा शांति से कुछ काम कर पाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स कौशल को लेके जा रही हूँ मैं नीचे। एक घंटा हो गया, हमें अभी दिल्ली में ही हैं, अभी दिल्ली पार नहीं हुई है, अभी दिल्ली में ही चल रहे हैं और पहुंच गए हम नेहरू प्लेस कालका जी मंदिर। जय हो कालका मैया की, जय कालका मैया। कौंत जो मंदिर पहुंच गए हैं वृंदावन धाम जी। हाँ। अब हम ढूंढ रहे हैं जहां हमने रुकना है, कोई पार्किंग या धर्मशाला या जहां भी कमरा लेंगे, जैसे भी करेंगे वहां रुकेंगे। देखो और पहुंच गए हम वैष्णो माता के मंदिर में। देखो सचिन गया है गाड़ी खड़ी करने, यार देखो पार्किंग, और हम यहाँ पे खड़े हुए मैं और खुशी। खुशी ये खड़ी है, खुशी ये रही। ये आ गया सचिन गाड़ी खड़ी करके। अब हम जा रहे हैं रिक्शा में बैठ के, गाड़ी हमने खड़ी कर दी पार्किंग में और हम जा रहे हैं रिक्शा में। और खुशी को देखो राधा रानी बना गई है, एक लड़की छोटी सी, राधे राधे। खुशी इधर दिखाऊँ, खुशी इधर दिखाऊँ, इधर कर, ये तो खुशी पूरी है, दिखाएगी थोड़ी ना किसी। खुशी इधर दिखा, खुशी इधर दिखा चेहरा, लाइट पड़े तो दिखाऊं। क्या समझ के बैठी हो तुम खुशी को? देखो जी हम आ गए हैं बांके बिहारी जी मंदिर जा रहे हैं। देखो खुशी
खुशी खुशी चलो भाई चलो जय श्री राम 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 तो फ्रेंड्स रात हो गई है और हमने खाना भी खा लिया है। भैया बर्गर ले आए थे तो दो बर्गर लेकर आए थे, दो मेरे लिए दो मीनू के लिए, तो दो दो हमने खा लिए और मुझे थोड़ी और भूख लगी थी तो मैंने ब्रेड भी खा लिए। और ये देखिए कौशल यहाँ पे ये घूम रहा है। और जब मम्मी जी चली गई थी तब ऊपर का सारा काम निपटाने के बाद जब हम नीचे आए थे तो उसके बाद में लगभग 4:30 बज गए थे जब हम आए थे। और उसके बाद 5 बजे करीब मैं कौशल को लेटा रही थी तो कौशल को लेटाते हुए मेरी भी आंख लग गई तो फिर थोड़ी देर में आंख खुली। उसके बाद मैं फिर उठे, मैंने वैसे मम्मी जी को कह दिया था कि मम्मी जी आप वीडियो शूट कर लेना थोड़ी थोड़ी सी, तो मम्मी जी ने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि खुशी भी गई है ना साथ में तो इसलिए ज़्यादा हो नहीं पाता क्योंकि खुशी फ़ोन को छीनती है। तो मम्मी जी आज ही आ जाएंगी, फ़ोन किया था मम्मी जी को तो 12 बजे तक लगभग शायद आ जाएंगी। वो वाली वीडियोस जो हैं बांके बिहारी जी की जाने की रास्ते में और जो भी वीडियोस मम्मी जी ने भेजी हैं मुझे, वो वाली सारी वीडियो मैंने आपको इसी वाले वीडियो में शेयर कर दी हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। ये देखिए रा कौशल चला गया बाहर। तो ये देखिए फ्रेंड्स मम्मी जी आ गई हैं, 12 बज गए हैं पूरे और खुशी तो सो गई है मम्मी जी की गोदी में है, गाड़ी में ही सो गई होगी। बता दीजिए मम्मी जी कैसे रहे दर्शन? दर्शन बहुत बढ़िया रहे और अब हम आ गए हैं। दर्शन तो बहुत अच्छे रहे। हम सुबह गए थे 1 बजे और आ गए 12 बजे, 11 घंटा में अपने बांके बिहारी जी के दर्शन कर आए और आ भी गए। बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए। बाय।